नहीं चलेगा। अभी अभी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दी, उसके बाद मैंने सीयूईटी का एग्जाम की परीक्षाएं भी देनी है, 12वीं कक्षा भी पास करनी है और उसके बाद बच्चों को सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देकर कॉलेज में दाखिला लेना है। मैंने अभी अभी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दी, उसके बाद मैंने सीयूईटी का एग्जाम दिया। सीयूईटी हमारा जो है इसी साल पहली बार शुरू हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें हमें बच्चों को पहले 12वीं कक्षा की परीक्षाएं भी देनी है, 12वीं कक्षा भी पास करनी है और उसके बाद बच्चों को सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देकर कॉलेज में दाखिला लेना है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ। जब स्टार्टिंग में इन्होंने फॉर्म फिल किए NDA द्वारा, ये एक पब्लिक नोटिस निकाला गया, बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल किए, 1500 रुपये बच्चों से इन्होंने पहले फीस ली। ठीक है, बच्चों ने जैसे कैसे करके 1500 रुपये फीस भर दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सीटी इन्फॉर्मेशन स्लिप्स जो अभी अभी बच्चों की निकाली, वो भी इन्होंने डायरेक्ट सीटी इन्फॉर्मेशन स्लिप्स एक दिन में नहीं निकाली। अभी तक बच्चों के पेपर नहीं हुए, अभी तक उनकी सीटी इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं आई है, इसलिए बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुद्दा उठाया गया कि आप नहीं मानते हो कि आपने ये देरी कर दी इसमें। देखिए, हमने 1000 से ज्यादा बच्चे टेस्ट दे चुके हैं। हाँ जी, हमने बहुत दिन पहले से ये मुद्दा उठाया हुआ है, जब से, क्योंकि इन्होंने, हमने पहले भी मुद्दा उठाया था 21 से 26 के बीच में जो बच्चों के एंट्रेंस टेस्ट होने थे वो उन्होंने वो पोस्टपोन कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी टेस्ट कैंसिल होने के बाद भी इन्होंने जो है टेस्ट बच्चों के बाहर लिए। अमृतसर में बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं, जलंधर में टेस्ट हो रहे हैं, प्रशासन हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? हमारी प्रशासन से, हमारी LG साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमने बार बार अपील की, लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या विद्यार्थियों के मुद्दे, क्या हमारे मुद्दे प्रशासन के लिए मायने नहीं रखते? जितेंद्र सिंह जी कल आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी आ जा रहे हैं वो और हम उन्हीं से बातचीत करने जा रहे हैं। पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें एक मैसेज दिया था, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्यों, हम पूछते हैं, जब हमारा प्रशासन बाय द पीपल ऑफ द पीपल टू द पीपल का नारा रखता है, तो हमें क्यों नहीं हमारी बातों को सुना जा रहा है? क्यों हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है? जब प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है, तो अब हमें बताइए कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियां, जब हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं है? आप देख रही हैं, आप सब देख रहे हैं, बच्चों की, लड़कियों के खुलेआम मर्डर करवाए जा रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा कितने बेरहमी से एक लड़की को मारा गया। अगर हम बाहर अकेली एग्जाम देने जाती हैं, पंजाब अमृतसर, किसी लड़की के साथ कोई घटना हो जाती है, हमें बताइए कौन जिम्मेवार है उस चीज़ का? हमें इंसाफ चाहिए, स्टूडेंट इंसाफ मांगता है, हमें LG साहब से, हमें प्रशासन से, उनसे अपेक्षा अभी हमें उनसे अपेक्षा है, हमें उनका रिप्लाई चाहिए। हमें जम्मू के बाहर एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम मिस हो चुका है उन्हें बच्चों को दोबारा से एक मौका मिलना चाहिए, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किए हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए और उन्हें पढ़ने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, तो हमें हमारा राइट टू एजुकेशन सच में मिलना चाहिए। धन्यवाद।